अब हम जिन 36 श्लोकों का पाठ करने वाले हैं उनका नाम अनुक्रमणिका यानी काव्य में प्रवेश करना है। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का पहला भाग बालकांड का चौथा सर्ग कहलाते हैं। इनमें एक से लेकर चौथा श्लोक तक महर्षि वाल्मीकि 24,000 श्लोकों में श्री राम की संपूर्ण कथा को पूरा करते हैं और यह सोचते हैं कि इस महान कृति का सटीक पाठ कौन कर पाएंगे। 5 से लेकर 8 श्लोक तक दो युवा राजकुमार कुश और लव का प्रवेश होता है। बुद्धिमत्ता और संगीत की अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध ये राजकुमार स्वयं महर्षि वाल्मीकि से रामायण सीखते हैं। 9 से लेकर 18 श्लोक तक कुश और लव के पाठ को सुनने वालों की प्रतिक्रिया का वर्णन है। जहाँ भी वो रामायण का पाठ करते हैं वहाँ के सारे श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी मधुर वाणी और श्लोकों की शक्ति हर श्रोता के हृदय को छू लेते हैं। 19 से लेकर 25 श्लोक तक ऋषिजन कुश और लव को सम्मान स्वरूप पवित्र उपहार प्रदान करते हैं। वस्त्र, कमंडल, योगदंड इत्यादि वस्तु और अनेक शुभकामनाओं के साथ उन्हें इस पवित्र कथा के संवाहक के रूप में सम्मान करते हैं। 26 से लेकर 28 श्लोक तक ऋषिजन रामायण को सर्वोत्तम काव्य के रूप में घोषित करते हैं, जो सुनने वालों को दीर्घायु, समृद्धि और शुद्ध आनंद प्रदान करने का स्रोत है। 29 से लेकर 31 श्लोक तक कुश और लव जब एक बार गाते रहते हैं स्वयं श्री राम की दृष्टि उन पर पड़ती है और वह उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित करते हैं। अंततः 32 से लेकर 36 श्लोक तक कुश और लव अपने सामने उपस्थित श्रोताओं के ही जीवन की कथा का गायन करते हैं। उनकी वाणी में भक्ति और करुणा से भरपूर सुर राजभवन के वातावरण को ही बदल देता है। वे श्री राम सहित वहाँ के हर व्यक्ति के मन को मोहित कर देते हैं। पाठ में प्रवेश करने से पहले आपसे विनती है कि विद्या, धन या कौशल किसी भी रूप में आप हमारा इस बृहद प्रयास में सहयोग दें। इसके लिए सारे लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अनुक्रमणिका नाम चतुर्थ सर्ग। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकारचरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत् चतुर्विंशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम् कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यन् सहोत्तरम् चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृह्णीतान्ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकारचरितव्रतः पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितं रसैश्शृङ्गारकरुणहास्यरौद्रभयानकैः वीरादिभिरसैर्युक्तं
काव्यमेतदगायताम् तौ तु गान्धर्वतत्त्वज्ञौ स्थानमूर्च्छनकोविदौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वाविवरूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ बिम्बादिवोत्थितौ बिम्बौ रामदेहात्तथा परौ तौ राजपुत्रौ कार्त्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ऋषीणाञ्च द्विजातीनां साधूनाञ्च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुले क्षणाः साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानाञ्च विशेषतः चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायतां सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसम्पदा एवं प्रशस्यमानौ तौ तपःश्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायतां प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदाद् यज्ञसूत्रं तथा परः कश्चित् कमण्डलुं प्रादान् मौञ्जीमन्यो महामुनिः बृसीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डमृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं ब्रूसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः दुदुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितम् परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरं प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ।
रथ्यासुराजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्मचानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामशत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यग् गायकौ समचोदयत् तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिस्वनं तन्त्रीलयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायताम् ह्लादयत्सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि इमौ मुनीपार्थिवलक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितावगायतां मार्गविधानसंपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैर्बुभूषयासक्तमना बभूवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अनुक्रमणिका नाम चतुर्थः सर्गः।